अंबाला कैंट से कांग्रेस प्रत्याशी परविंदर परी को लगातार कैंट के लोगों का साथ और समर्थन मिल रहा है, तो वहीं लगातार काफिला भी बड़ा होता जा रहा है। अंबाला कैंट में जहां पर भी प्रोग्राम हो रहा है वहां पर महिलाओं से लेकर युवा तक सभी गर्म जोशी के साथ परविंदर परी का स्वागत करने में लगे हैं। तो वहीं इस कांग्रेस प्रत्याशी परविंदर परी का डोर टू डोर चुनाव प्रचार भी जोरों शोरों से चल रहा है। परविंदर परी बुधवार को अपने चुनावी प्रचार के दौरान चंद्रपुरी और सुंदरनगर में पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया। तो वहीं इस दौरान परविंदर परी ने दोनों जगहों पर चुनावी कार्यालय का भी उद्घाटन किया, जिसके बाद परविंदर परी सब्जी मंडी पहुंचे, जहां लोगों का भरपूर समर्थन उन्हें मिला। तो वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन एक तरफा होता जा रहा है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और अंबाला छावनी में भी कांग्रेस के प्रत्याशी की ही जीत होगी। इस दौरान परविंदर परी ने मंडी के लोगों की समस्याओं को लेकर कहा कि मंडी में भारी समस्याएं हैं। उन्होंने जनता से वादा करते हुए कहा कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले मंडी में आकर इन सब समस्याओं का समाधान करेंगे। इस दौरान परविंदर परी ने भाजपा जजपा पर तंज कसते हुए कहा कि इन दोनों ने मिलकर लूट खसूट करी और जब आखिरी टाइम आ गया तो दोनों अलग अलग हो गए। मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया गया, इसलिए अब जनता के पास कोई विकल्प नहीं है और जनता कांग्रेस की तरफ ही देख रही है। मंडी में पहुंचे हैं, क्या कुछ समर्थन मिल रहा है, क्या कुछ सहयोग मिल रहा है? जैसे मैंने बोला कि अगर आप देखोगे तो इलेक्शन कहीं ना कहीं एक तरफा होता जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है उन लोगों का जो जन समर्थन मिल रहा है। आज सब्जी मंडी में हम आए हूँ तो आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है लोगों को देखने को मिल रहा है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और अंबाला में भी सबका प्रेम जो विश्वास आज परविंदर परी के साथ है, तो मैं विश्वास कर कह सकता हूँ कि अंबाला में भी कांग्रेस का प्रत्याशी भाई परविंदर सिंह परी जीतने जा रहा है भारी बहुमत से। और भाई को तो ये भेजेंगे विधानसभा, बाकी का काम मेरा है और जो मैं आगे से जो लेके आऊँगा वो इनके बीच में आऊँगा और इनके बीच में आके ही सेवा करूँगा। मंडी की बहुत समस्याएं हैं, जो मेरे रेडी फड़ी वाले हैं इनकी भी बहुत समस्याएं हैं, मेरे तक पहुँची भी हैं और आज से पहले भी हमारे यहाँ से मंत्री भी रहे हैं, MLA भी रहे हैं, जो कि समस्या तो सुनी उन्होंने लेकिन समाधान कुछ नहीं कराया। तो मैं वादा करता हूँ, दावा करता हूँ, ये तो मेरा परिवार है, मैं तो बचपन से इस मंडी में आता जाता रहा हूँ, तो मैं इनसे वादा भी करूँगा और दावा भी करूँगा कि परविंदर सिंह परी जिस दिन जीत के आया सबसे पहले मंडी में आएगा और इनका समाधान बड़े अच्छे तरीके से समाधान करेगा कि जो इनको दिखते हैं का सामना करना पड़ रहा है पिछले लगभग 10 सालों से एक घमंड की समस्या की बात आप यहाँ की कर रहे हैं। समस्या बहुत है जी, एक समस्या नहीं है मंडी, कभी चाहते हैं कि शिफ्ट भी होना चाहिए, कोई मंडी कहता है कि यहाँ ना भी शिफ्ट हो, जैसे ये बात बोलेंगे जो समस्या इनकी रहेंगी बेसिक समस्याएं ही होती हैं। अब बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी उसका इनको क्या फ़ायदा होगा, इनकी जो बेसिक समस्या वो हमें समझनी है, वो देखनी है और उसका समाधान कराना है। तो इनके बीच में ही रहूँगा, इनसे इनकी जो समस्या होंगी वो ही हम सुनेंगे और वो यहीं बैठ के इनका समाधान कराएंगे। वोट की अपील कर रहे हैं आप, क्यों, क्या सोच करे जनता आपको वोट करे? जनता क्या सोच कर वोट करे? जनता के पास और कोई विकल्प नहीं है, जनता आज कांग्रेस की तरफ देख रही है, जनता ने 10 साल का इनका राज भी देख लिया, BJP का भी राज देख लिया, GJP और BJP का दोनों का राज देख लिया, दोनों ने मिल के जो लूट खसोट करी, जब आखिरी टाइम आ गया दोनों अलग अलग हो गए, फिर मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। चेहरे बदलने से कोई कर्म थोड़ा बदल जाते हैं, जो आपने कांड करे हैं हरियाणा के अंदर, आपने जो भ्रष्टाचार किया है हरियाणा के अंदर, अब वो चेहरे बदलने से कोई कांड नहीं बदल जाते, जो है वो जनता इनसे पूछेगी और जनता इनको जवाब देगी। जनता वोट रूपी आशीर्वाद भाई को जब देगी तो पता लग जाएगा कि कैसे जनता क्या चाहती है, जनता बदलाव चाहती है हरियाणा में भी और अंबाला में भी। मतलब अंबाला कैंट की बात करें तो भाजपा कहती है कि डेवलपमेंट बहुत किया गया है, उसकी तस्वीर बदल दी गई है, आप क्या कहें? ये भी अच्छा सवाल पूछा आपने, अगर आप पूछो इनसे कि क्या डेवलपमेंट किया, डेवलपमेंट हुआ, चंद लोगों का डेवलपमेंट हुआ, जो वहाँ पे जैंट शर्ट वाटर के बैठ के टांगे दबाते थे ना, तो डेवलपमेंट उनका हुआ। इनका पूछो कि किसी गरीब का डेवलपमेंट हुआ? जनता की आवाज़ कभी कोई मंत्री यहाँ पर आपके बीच में आया कोई आपकी आवाज़ सुनने के लिए? पूछो इनसे अगर कोई आया हो, कोई एक शख्स भी अगर मंडी के अंदर आया हो और इनके कोई भी समस्या का अगर कोई समाधान किया हो। जनता बहुत परेशान है, चाहे वो PP परिवार पहचान पत्र को लेकर जाऊँ, पीला कार्ड की अगर बात करूँ, चाहे मैं राशन कार्ड की बात करूँ, चाहे मैं NDC की कमेटी से रिलेटेड NDC की बात करूँ, यहाँ तो समस्या ही समस्या है। आप इस सड़क से बाहर निकलो तो आपको खड्डे ही खड्डे नजर आएंगे। तो विकास की तो बातें रहेगी, विकास हुआ तो भ्रष्टाचार का विकास हुआ, विकास हुआ लेकिन कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आती है तो एकदम से बदलाव लाया जाएगा। अगर नहीं आती, कांग्रेस आ रही है,
अगर वाली बात नहीं है, कांग्रेस आ रही है, ये बच्चे बच्चे के आज जुबान पर है कि कांग्रेस हरियाणा में भी आ रही है और बदलाव की राजनीति अम्बाला छावनी से शुरू हुई है और अम्बाला छावनी में भी कांग्रेस आ रही है और हरियाणा में भी कांग्रेस आ रही है, हम दावे के साथ कह सकते हैं ये बात। भाई देखो, मेरा अपना निजी मामला है, मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों की आवाज़ है ये कि भाई हमारे को हमारा ऐसा नेता चाहिए जो जमीन से जुड़ा हो, लोगों के बीच में रहा हो, जो सच्चा कार्यकर्ता हो कांग्रेस पार्टी का, जो सच्चा सिपाही हो कांग्रेस पार्टी का। हमने ऐसा नेता चुनना है, हमने ऐसा बेटा चुनना है। तो लोगों का समर्थन दिन ब दिन, चाहे वो युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, बुजुर्ग वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, किसान वर्ग हो, सभी समाज का सभी बिरादरियों का समर्थन खुले मंच पे भी मुझे मिल रहा है। और आप देख सकते हो दिन प्रतिदिन कांग्रेस पार्टी की जो लहर है वो पूरे हरियाणा में भी बढ़ती नज़र आ रही है, और अम्बाला की बात करूँ तो अम्बाला भी बढ़ती नज़र आ रही है। और आपने देखा होगा किस तरीके से कल एक महिला ने, मेरी वाइफ आगे बढ़कर उन्होंने मेरा साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं पूरी महिला कांग्रेस। मेरी बहुत ही अटेंडेंट नीलम शर्मा जी भी थी कल, कम से कम 1500 महिलाएं सड़कों पे उतरी कांग्रेस पार्टी के समर्थन के लिए, अपने भाई के समर्थन के लिए। इलेक्शन का रिजल्ट की इंतज़ार करो और उस जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता लग जाएगा परी कौन है।